हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो। मैंने फ्लिपकार्ट से एक हैंडबैग मंगवाया है और उसी की मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाली हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, सभी को पता है जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं उन लोगों को, सभी को अच्छे से पता है। तो आप सभी को पता है लेडीज़ को एक्साइटमेंट कितनी रहती है। तो ये मैं पहले ही ओपन कर चुकी है, जस्ट ये वीडियो के पर्पज से मैंने इसमें वापस डाल दिया था। तो ये पैकेट है फ्लिपकार्ट का और इसके अंदर एक इस टाइप का पन्नी टाइप आती है, उसके अंदर जो है ये बैग मुझे रिसीव हुआ। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। जो बैग है वो ये बैग है, ये हैंड बैग है, एक मस्टर्ड कलर में है, आप देख सकते हो। इसमें कोई पॉकेट नहीं है, मतलब इस साइड भी जैसे नॉर्मली हैंडबैग्स में होती है एक साइड पॉकेट, तो इसमें कोई पॉकेट नहीं है। यहाँ पे जो है पॉम्पॉम लगा है, ब्लैक और वाइटिश में थोड़ा सा है, अगर आपको दिख रहा होगा। और ये पतली सी चेन लगी हुई है इसमें, और इसमें एक ये जिसमें लिखा है लव ये है। और इसके जो हैंडल्स है, देखिए जो हैंडल्स है, ये जो हैंडल्स है ये है मेटल के है और गोल्डन कलर में है। तो मतलब ये जो इस बैग को जो स्टाइलिश बनाते हैं वो ये हैंडल है इसका जो मेन जो मतलब है। और इसमें कोई कैरी करने के लिए जैसे सिर्फ सिंपल इसमें हैंडल्स दिए, इसमें कोई स्लिंग बेल्ट या कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ यही चीज़ दी है हैंडल। तो चलिए इसे ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस टाइप में है, ये प्यू लेदर में है। अंदर से ये देखने में इस टाइप में है, इस साइड भी इसमें कोई जिप नहीं है और ना ही इस साइड कोई मतलब पॉकेट नहीं है, कोई पॉकेट नहीं अंदर। लेकिन हाँ अलग से कई कई पर्स में होता है अलग से पाउच आता है। आजकल अमेजोन से आप खरीदने जाओगे तो वहां पे जो है अलग से आपको जो है पाउच मिलता है, लेकिन इसमें अटैच्ड है। तो ये इसमें भी जो है जिप लगी हुई है इस टाइप में, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी आप देख सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स थे, रेड था, बेज कलर था और आई थिंक ब्लैक, ऑलिव कलर, ये सब कलर्स थे। तो मैं स्क्रीन में लगा दूंगी आप देख सकते हो। अगर लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आप लेना चाहो तो वहां से ले सकते हो। हाँ सबसे बड़ी बात है इसका जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ इसका है प्राइस, और 499 का ये बैग है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट 75 रुपीज़ और उसके बाद जो है 424 रुपीज़ का ये बैग था। लेकिन मैंने प्रीपेड ऑर्डर पे इसे मंगाया, प्रीपेड यानी मैंने पहले ही इसकी पेमेंट कर दी थी, तो लेस 24 रुपीज़ भी लेस हो गया। और उसके बाद इसका जो प्राइस रह गया वो हो गया 400, और लेकिन इस पे जो शिपिंग चार्जेस है 45 रुपीज़ लगे, तो 445 रुपीज़ का ये बैग मुझे पड़ा। तो काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब इसका लेदर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगी क्योंकि ऑनलाइन में आप मटेरियल तो देख नहीं सकते कि किस टाइप का है, लेकिन हाँ अच्छा है। लेकिन आप जो है इसे अगर आप ऑफिस गोइंग हो या फिर कॉलेज गोइंग हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान इसमें कैरी करना है तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। हाँ अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, ज़्यादा कुछ भी जैसे फ़ोन आपको कैरी करना है, अपना वॉलेट है, जैसे मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जांपल ये वॉलेट है, वॉलेट आप जैसे इस साइड डाल दीजिए और इन पॉकेट्स में आप जो आपकी कोई ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे फ़ोन हो गया, कीज़ होगी, ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। लेकिन पार्टी में जा रहे हो तो यूज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ट्रेंडी है, मतलब फैशनेबल सा है, हैंडी बैग है तो उसके लिए ठीक है। लेकिन हैवी चीज़ें अगर बच्चे के साथ कहीं जा रहे हो तो आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं आता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन आप डेली अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो आप इसे कैरी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है, स्टाइलिश है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो मैं मतलब आप ले सकते हो अगर और कोई कलर आपको पसंद आए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।